हाँ खतरा सभी को है, पता क्या है कि कुछ भी हो सकता है। जब पांचवी पास वाली थ्योरी समझ आ रही है? नहीं नहीं पांचवी पास तो है, लेकिन पांचवी पास बच्चा किसी का भी इतनी फराड़ेदार हिंदी नहीं बोल सकता, ना ही इंग्लिश, ना ही कंप्यूटर वगैरह, इतना नेशनल वो देख रहे हैं जैसी बिल्कुल फ्रैंक होकर बोल रही है, मैंने भी सुना है। तो पांचवीं क्लास का बच्चा जो है, हमें तो कोई माइनस पॉइंट अंदर खाने क्या है आप जाने, या जो बात है ना हमें पता ना, आप क्लियर आप लोग ही तो क्लियर करेंगे, नहीं आप लोग ही तो क्लियर करेंगे कि क्या कहानी है। जहाँ पर एक समय में सचिन काम करता था, और ये यही बाज़ार की गली है, आगे दुकान है, तो वहाँ पे हम गए थे, तो ऑफ द कैमरा बहुत बात हुई, लेकिन दुकान के मालिक अभी किसी चिकित्सीय जांच के लिए बाहर गए हुए हैं। तो बाज़ार में हम थोड़ा लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि सचिन किस तरह का लड़का था, यहाँ पे बहुत दिन आया, काम किया, तो एक सज्जन है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बाज़ार में हमेशा आते जाते रहते आता हैं? जाता हूँ सामान लेने के लिए बाज़ार में। तो ये जो सचिन का मसला चल रहा है जी, अभी बाज़ार में कई तरह के नौकर काम करते हैं, सहायक होते हैं, इस मसले को आप क्या देख रहे हैं? और सचिन और सीमा का जो ये रिश्ता है, उसके अतीत को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि सीमा ने जैसे पुलिस को बताया कि 2014 में उसकी शादी हो गई, पति सऊदी चले गए, अब पबजी के द्वारा एक लड़का मिला सचिन, अब इसकी क्या गारंटी है कि फिर पबजी का खेल खेलते हुए किसी और के घर में ना सब्जी बनने लग जाए? देखिए ये तो अपने आदमी के अपने दिमाग के व्यवहार के ऊपर है, कौन क्या करता है, हम इस बारे में क्या कह सकते हैं, हम अपना जानते हैं, बच्चे लोग अपना दिमाग जानते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब ये है कि मेरा बच्चा कोई गलत काम कर सकता है या सही कर सकता है, तो मेरे को जानकारी थोड़ी होती है इस बात की। अब वो रह रहा था नौकर, ठीक ठाक रह रहा था, कोई शिकायत नहीं, यहीं का बासिंदा रबूबरा का, और कभी यहाँ किसी ने यहाँ मार्केट में या कस्बे में कोई ऐसी बात नहीं बतलाई, कोई ऐसी बात चल रही है उसने भी कभी नहीं बतलाई, जैसे यहाँ कोई सुनता या वो तो अटेंडम वो तो कर लाया, यहाँ रह रहा था किराए पे लेके, वो तो पुलिस ने पकड़ा जब यहाँ पता चली। सीमा के पास कह रहे हैं कि बहुत सारे 4 मोबाइल फ़ोन मिले हैं और सभी टूटे हुए अवस्था में हैं, आधार कार्ड मिला है जो कि एडिट हुआ है, फर्जी है आधार कार्ड इस, और सीमा खुद बता रही हैं कि वो पांचवी पास हैं, उन्होंने पांचवी तक ही शिक्षा दीक्षा ली है। तो आपको लग रहा है कि एक पांचवी पास महिला और इतना सब करते हुए, दो देश के बॉर्डर लांघते हुए भारत पहुंच जा रही हैं, कहीं इसमें कोई दूसरी कहानी, आप लोग व्यापारी लोग हैं, कोई दूसरी कहानी समझ में आती है? नहीं नहीं ऐसी कोई समझ में नहीं आती, और फिर दूसरी बात यह है कि पुलिस जाँच कर रही है, जो भी कोई बात होगी सामने आएगी, उसका जो है का पुलिस ये है कि सच्चाई क्या है 100% सामने लाएगी। और वो आई है नेपाल के रास्ते, आई है बॉर्डर पार करके आई है, तो इस बात को भी पुलिस ही जाने कैसे आई है ये। अंकल आप बोलेंगे, आई 2 मिनट आपसे बात करूँगा, आ जाइए इधर आ जाइए। आप लोग रबूपुरा का ही लोकल मार्केट है ये, ठीक है, आप लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, किसी भी घटना से व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, इस घटना से व्यापारी वर्ग कितना प्रभावित हुआ है? और कल को जांच में किसी भी तरह की 19-20 की बात आती है तो उसके बाद व्यापारी वर्ग और यहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन रहने वाला है? रिएक्शन क्या है, लोगों को खतरा ये है कि कहीं दूसरा पहलू ना निकल गया हिंदू मुस्लिम वाला, लोगों के दिमाग में ये भी है, तो इसलिए शांति से जो काम हो जाए वो ज़्यादा बढ़िया है, किसी तरह की कोई माइनस पॉइंट नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मीडिया का मजमा लगा हुआ है, सुबह से शाम तक 8 बजे से मीडिया आ जाती है, शाम 10 बजे तक रहती है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि व्यापारी वर्ग बहुत मीडिया से बच के भी रहता है कि ज़्यादा चीज़ें आए ना, और जैसे परिवार में मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, तो ये आप क्या देख रहे हैं कि समाज के लिए, क्योंकि देखिए हर वर्ग समाज से जुड़ा हुआ है, समाज के लिए खतरा है या बेहतर है, या उनका जो भी मसला है वो कानूनी तरीके से सुलझा लिया जाए, मीडिया में इतना ज़्यादा ना चाहिए,
क्योंकि वो लोग भी जो है क्या इससे जो है क्या डर रहे हैं कि हमको खाना भी नहीं मिलता सुबह शाम तक। आप लोग काम ही नहीं दे रहे? हाँ, मतलब ये कह रहा हूँ मैं, लोग जो है टाइम ही नहीं दे पाते हैं, तो उनको इसका इंटरव्यू पता नहीं क्या हो जाए हमारे साथ। उन्होंने कहा कि आप लोग काम ही नहीं दे रहे। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, इसलिए जो उनको भी खतरा है, खतरा आप लोग कोई खतरा नया पैदा ना हो जाए आपस में ही उनके घर में अथवा किसी भी और तरह का समाज में। खतरा आप लोग को? हाँ, खतरा सभी को है, पता क्या है कि कुछ भी हो सकता है। जब पांचवी पास वाली थ्योरी समझ आ रही है? नहीं नहीं, पांचवी पास तो है, लेकिन पांचवी पास बच्चा किसी का भी इतनी फराड़ेदार हिंदी नहीं बोल सकता, ना ही इंग्लिश, ना ही कंप्यूटर वगैरह इतना नेशनल। वो देख रहे हैं जैसे बिल्कुल फ्रैंक होकर बोल रही है, मैंने भी सुना है। तो पांचवी क्लास का बच्चा जो हमें तो कोई माइनस पॉइंट अंदर खाने क्या है आप जाने, या जो बात है ना हमें पता ना, आप क्लियर आप लोग ही तो क्लियर करेंगे, नहीं आप लोग ही तो क्लियर करेंगे कि क्या कहानी है। हाँ, आप ही तो सब आप ही तो उछालते हैं सब अच्छी बुरी सबकी। हमें क्या तो अलग विषय अलग हो गया। आप इससे एक मिनट देखिए, अब कुछ लोग कुछ लोग चलिए कुछ लोग हैं युवा हैं, आप लोग बात करेंगे, देखिए सब भाग जाते हैं, इनसे बात कर लेते हैं कोई है। अरे आप भी बोलो, आप अरे सही बात को कहने में क्या दिक्कत है, आ जा सुमित, अरे कुछ तो बात कर लो, यहाँ रखो, चलिए कोई बात नहीं, सही बात कहने में क्या। हाँ ना, सब चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पट रही है जैसे ये भी पाकिस्तान के ही है। चलिए, तो ये वही मोहल्ला है और गली है जहाँ पर सचिन एक समय में काम किया करता था, और कोई बोले या ना बोले कश्मकश का माहौल हर जगह बना हुआ है और सभी के मन में शंका है, मुंह पे नहीं है, जबान पे नहीं है, लेकिन मन में शंका है कि जांच हो जाए और जांच में सही चीज़ें निकल के आ जाए, क्योंकि जो कस्बा है या समाज है आपस में सब जुड़े रहते हैं, और अगर कुछ सबको डर है कि अगर किसी तरह की चीज़ें जो दूसरा पहलू है जो अभी तक इस पूरे मसले में आ नहीं रहा निकल कर, अगर वो दूसरा पहलू कहीं निकल के आया तो जहां सचिन काम करते थे, सचिन का परिवार और कहीं ना कहीं समाज प्रभावित होता है। तो ये पूरा मोहल्ला बजरिया बाज़ार का है, कुछ व्यापारियों की भी हमने राय ली और उनसे जानने की कोशिश की, तो सब दबी आहट में यही कह रहे हैं कि जांच हो और जितनी जल्दी जांच हो जाए उतना बेहतर है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए बजरिया बाज़ार से, धन्यवाद।